अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं? आज का जो हमारा वीडियो है, वैसे मैं आपको बता दूं, जहांगीर है मेरा नाम और मेरे चैनल पे आपका जो है ना स्वागत है। ये जो चैनल अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको जो है ना ये दिखाऊंगा कि कैसे स्टॉक फुटेज जो है ना बनाते हैं अपना, जो आपका शटर स्टॉक या डॉप स्टॉक का पोर्टफोलियो है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, उसमें मैंने ये मुनासिब समझा कि यार आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर दूँ। तो मैं अभी जो है ना रूरल एरियाज़ में आया हूँ, कुछ बर्ड्स वगैरह यहाँ पे मैंने कहा कि नेचर को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ में जो है ना ड्रोन के फुटेज वगैरह भी बनाते हैं। पास डिवाइस है, मैं आपको दिखाने की कोशिश, ये देख सकते हैं जी 90D मेरे पास जो है ना बॉडी है और साथ में सिग्मा का लेंस है 150 से 600 mm का। तो ये मैंने जो है ना मैनफ्रोटो का यहाँ पे एक लगा के रखा हुआ है स्टैंड। तो इसका ये होता है बेनिफिट, बहुत ही अच्छा ये स्टैंड है। अगर इसको बाज़ार में आप बाई करना चाहते हैं, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये में आपको ये मिल जाता है किसी भी शॉपकीपर से जो कैमरे सेल करते हैं। मैंने इसको लाहौर से परचेज किया था। तो इसका ये बेनिफिट होता है, ये जब 600 mm का आप लगाते हैं ना, तो उसमें आप इजीली नेचर को टारगेट कर सकते हो। काफ़ी दूर कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज बैठा हुआ होता है, तो उससे जो है ना आप इसको टारगेट कर सकते हो। तो इसमें ये बेनिफिट होता है, मुझे जो है ना उतरना नहीं होता, तो इससे मैं वो फुटेज वगैरह बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ फुटेज वगैरह मैं आपके लिए बनाऊंगा। ड्रोन वगैरह भी हमने यहाँ पे उड़ाया है, तो वो भी मनाजिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से जो है ना मैंने फुटेज वगैरह बनाए हैं। 4K फुटेज जो है ना शटर स्टॉक पे आप डालें, स्लो मोशन भी वैसे डाल सकते हैं, 90D में स्लो मोशन भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 4K डालेंगे तो आपको महंगा बिकेगा। यहाँ पर हम चीज़ों को टारगेट करेंगे, साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है ना अपने फुटेज वगैरह अपने बनाने। तो मैं कैमरे की सेटिंग आपने जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पर अपने कैमरे को डिवाइस को ऑन करना है। कैमरे की डिवाइस को ऑन करते ही आपने यहाँ पर प्रेस करना है जनाब मेन्यू का जो बटन है इस पर, और इसमें ये देख सकते हैं मूवी की जो सेटिंग है, ठीक है, ये फुल HD में भी है, 1080 पिक्सल में और 760 पिक्सल में भी आपको अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि आप 4K चूज़ करेंगे और साथ ही साथ में ना ये शटर स्टॉक या डॉप स्टॉक की जो वीडियोज़ होती हैं वो आपको पता है साउंड रिकॉर्डिंग के बगैर होती हैं। तो अगर ये ऑन होता है तो इसको आपने यहाँ पे ऑफ़ कर देना है, सेटिंग में जाके 4K सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जनाब आपने फुटेज वगैरह ऐसे क्रिएट करने हैं जो हिले नहीं, ठीक है, फुटेज बनाएंगे वो हिले नहीं, सारे के सारे आप मतलब स्टेबल मोड में उसको बनाएंगे। उसका तरीका यही है कि स्टैंड अच्छा हो आपके पास और तभी आप जो है ना ये बना पाएंगे। नेचर में जो चीज़ें मैं टारगेट करूंगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो है ना फुटेज वगैरह बना सकते हैं। कुछ लोगों का
जो है ना वो होता है कि यार कैसे किस तरह के फुटेजेस वगैरह बनाए तो हमारे बिकेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा यहाँ पे नेचर में जो है ना मुझे कुछ एक स्नाइप बर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने बैठा हुआ है। ठीक है, इसको हम टारगेट करते हैं और बनाते हैं इसका फुटेज, स्टॉक फुटेजेस। तो यहाँ पर मैं जूम आउट करता हूँ और अपनी डिवाइस को यहाँ पे ऑन कर दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद जनाब ये हमारा कैमरा चल चुका है और आपने यहाँ पे जूम करते जाना है। आपका जो लेंस है 600 मीटर तक इसको मैंने वो निकाला है इसका, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे चला गया। तो यार वो तो उड़ गया। अच्छा चले आगे दिखाता हूँ, वो यहाँ से उड़ गया क्योंकि एक बंदा यहाँ पे आया हुआ था तो वो उसको देख के यहाँ से रफू चक्कर हो गए, कोई और चीज़ टारगेट करते हैं। अच्छा यहाँ पे जी हम रुक गए, ये सामने जो है ना मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे बैठे हुए कुछ गर्ल्स, ठीक है, जिनको लिटिल इगरेट भी बोलते हैं, उनका बनाते हैं। मैं आपको जूम इन करने दिखा के जो है ना कोशिश करता हूँ मोबाइल से, फिर हम इसका क्लिप भी बनाते हैं। देख सकते हैं ये सामने दरख्त के ऊपर बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो इनका हम 4K फुटेज बनाते हैं। यहाँ पे वो थोड़े से डरे हुए भी हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार वो डरे नहीं और उनका क्लिप जल्दी जल्दी हम बना लें। तो यहाँ पे हम अपनी डिवाइस को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, साउंड भी जिस तरह से जो है ना आपने बंद करना था वो आपने बंद कर देना है। तो ये मैं अपनी डिवाइस को यहाँ पे जो लेंस है इसको 600 mm पे ले के जाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं जी। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बस ये ख्याल करना कि ये हिले नहीं। ये मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ रिकॉर्डिंग के जो बटन है इसको। तो यहाँ पे एक बन चुका है, दोबारा दूसरा बना दें ताकि वो भी स्टेबल हो। अच्छा ये जो मैंने वर्क जो है ना अप्रूव होने के बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि किस तरह से ये जो फुटेज हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने फोटोज़ भी डालने हैं, आपने वीडियोस, मैं कोशिश यही करूँगा कि आप वीडियोस डालें, मैं वीडियोस ही डालूँगा क्योंकि पिक्चर्स का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। तो कोशिश करें कि आप फुटेजेस डालें, अपने मोबाइल से बनाना शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी डिवाइस स्टार्टिंग में ले लें, अच्छा सा मोबाइल बाई कर लें और उससे जो है ना जो भी चीज़ आपको नज़र आए वो इस तरह की आप वीडियोस बनाते जाएं। दूसरी भी कोई ना कोई चीज़ मैं टारगेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से दूसरा क्लिप बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आगे चलते हैं, चलो। अच्छा ये सामने देख सकते हैं ग्रेटर कोकल बैठा हुआ है, उसके भी बना लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, वो भाग ना जाए। अच्छा ये सामने देख सकते हैं ग्रेटर कोकल बैठा हुआ है, इसकी बनाते हैं जल्दी जल्दी, मैं डिवाइस ऑन कर लेता हूँ, भाग ना जाए सामने इसको। यहाँ ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है जी, ये लेकिन आपने ख्याल करना है वीडियो हिले नहीं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपने वो बनाना है, लेकिन कोशिश करना है कि जितने भी वाइल्ड बर्ड्स हैं ना वो डरे नहीं। ठीक है, अगर आपने शोर किया तो वो भाग जाएंगे। तो इस तरह से आपने टारगेट करना है मोबाइल के साथ, आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये सामने देख सकते हैं ये बैठा हुआ है, इसको क्रेटर कोकल बोलते हैं या क्रोफिसेट भी बोलते हैं, और क्या है। अच्छा जनाब इसका भी मैंने फुटेज निकाल लिया है, ये भी वर्क मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से इसका 4K फुटेज बनाया। तो ये बिल्कुल स्टेबल था, वो उड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बाइक वाला गुजरा है, रोड पे थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक दो और क्लिप भी बनाते हैं फिर काम ख़त्म करते हैं। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं एक पाइड पुश चैट भी बैठी हुई है,
ये कहाँ पे? हाँ, इसकी बनाते हैं। ठीक है, अपनी डिवाइस ऑन कर ली है मैंने, डिवाइस ऑन कर ली है। और ये बैठी हुई है सामने, कहाँ चली गई? ये बैठी हुई है, जूम इन करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से कर लेते हैं। तीसरा भी बना लेते हैं ताकि बाद में काम आ जाए। तो सरकार, इस तरह से जो है ना, अपने फुटेजेस वगैरह बनाने, ये सारा का सारा वर्क मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना कैमरा यूज़ करके या मोबाइल यूज़ करके स्टॉक फोटोग्राफी के ऊपर, वीडियोस के ऊपर काम करते हुए अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है ना ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। ये देखें, ये सामने भी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कॉन्शियस तो है ही, लेकिन बस ये है कि कुछ फुटेजेस वगैरह हमने निकाल लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शटर स्टॉक, अडोब स्टॉक के अकॉर्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं, जो मेरा इल्म है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक नया पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, पहले भी आपको अपनी इनकम दिखाई है पुराने पोर्टफोलियो से, लेकिन ये मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। जितना भी मैं वर्क करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ड्रोन का वर्क भी, मेरे पास ड्रोन जो पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखा। अच्छा, ये ड्रोन देख सकते हैं, ये जो है DJI मिनी 2 है, ठीक है। ये ड्रोन मैंने बाई किया है अपने स्टॉक फुटेजेस के लिए, और ये 4K में रिकॉर्ड करता है। 1,30,000 रुपये में ये बनाया। जितने भी फुटेजेस मैंने आज निकाले वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 90D कैमरा विद 150-600 mm लेंस के साथ, और साथ में मैनफ्रोटो का जो है ना ये अपना स्टैंड है, और साथ में ये ड्रोन है, ठीक है। ये मैं इसको वापस रख देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। शटर स्टॉक या अडोब स्टॉक के हवाले से जितना भी मेरा वर्क है, नया पोर्टफोलियो मैंने आपको पता है मैंने बनाया है, तो वो सारा मैं आपके साथ अर्निंग भी शेयर करूंगा और अपना वर्क का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, आप इस पे काम करें, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पैसे भी इनकम है, ठीक है। सारी ज़िंदगी जो क्लिप है आपके सोल्ड होते रहते हैं। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।